स्टार्ट रिकॉर्डिंग। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ जी मैम, बस देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आपको लग रहा होगा कि ये मैनेजमेंट का ही कोई पार्ट है या मैनेजमेंट का सबसेट है, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स से आया है। क्या कोई बता सकता है कैसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स से रिलेट कर सकते हैं? एनीवन? इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उनसे हमें अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना होता है, राइट? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड फाइनेंस होता है। लिमिटेड फाइनेंस से हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स है हमारे बिजनेस के, उन्हें फुलफिल करना है इन द बेस्ट वे। इसे ही हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ फाइनेंस के इर्द गिर्द घूमता है, सिर्फ फाइनेंस। कैसे फाइनेंस को लेकर आना है बिजनेस में, फाइनेंस इन द सेंस कैपिटल, कैश। कैसे हम बिजनेस में फंड कैश लेकर आएंगे, कैसे उन्हें हम इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करने के बाद जो हमें प्रॉफिट मिलेगा उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखिए, आप इसको समझ लेंगे तो आगे का जितना भी टॉपिक है या हम बोले जितना भी आपको वर्ड मिलेगा सब इसी से रिलेटेड मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं आगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखिए, एक बार हम पढ़ भी देते हैं आप लोगों के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट एक्वाइजिशन। एक्वाइजिशन मतलब क्या? फंड को लेकर आना, जैसे बोलते हैं ना एक्वायर करना, एक्वाइजिशन, फंड को लेकर आना। एंड देन एलोकेशन ऑफ फंड, और जब हम फाइनेंस को लेकर आए हमारे बिजनेस में तो उसे इन्वेस्ट करना, उसे एलोकेट करना अपने बिजनेस में, यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सपोज करिए आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या चाहिए? फंड चाहिए, जिसके बिना हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं। अब फंड चाहिए, फंड को लाना कहाँ से है ये हमें सोचना है, ठीक है? फंड कहाँ से आएगा, किन सोर्सों से आएगा, लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा, बैंक से लेना है या इक्विटी से लेना है या डेट से लेना है या लोन लेना है, कैसे लेना है ये भी सोचना है हमें। अब जब हम फंड ले आए, फंड लाकर उसे छोड़ तो देना नहीं है, बिजनेस में लाए फंड और चलो ऐश करते हैं, ऐसा वाला नहीं करना है। उसको हमें क्या करना है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। और कहाँ इन्वेस्ट करना है? ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है जहां से हमें आउटपुट मिले, ठीक है? इन्वेस्ट करेंगे हम उसको अपने बिजनेस में, ये भी सोचने वाला काम है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म एसेट खरीदें कि शॉर्ट टर्म एसेट खरीदें, स्टॉक कितना रखें, कैश कितना रखें, और क्रेडिट पे कितना दें माल, ये सब हम क्या कर रहे हैं, अपने फंड को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम इन्वेस्ट कर दिए फंड, ठीक है, हमारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है। अब हमें क्या होगा, इनकम होगा, प्रॉफिट होगा बिजनेस से। तो उस प्रॉफिट को कैसे हमें आगे देना है, किसको देना है, जो हमें फंड दिए हैं उनको भी तो हमें कुछ देना होगा। तो उन प्रॉफिट्स को कैसे हम उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्या पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितना प्रॉफिट होगा, या कुछ बचा कर रखेंगे अपने फ्यूचर के लिए? यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कुछ समझ आ रहा है? यस मैम। चलिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए आपके बुक में क्या लिखा है, इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद हाउ ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटेड टू। इसमें डिसीजन किससे रिलेटेड होगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड यानी फंड को लेकर आना बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, फंड को इन्वेस्ट करना है, किसमें इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स में, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स, और जो प्रॉफिट होगा हमें, जो अर्निंग्स होंगी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना किसमें, ओनर्स में। यहाँ ओनर किसको बोल रहा है, जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं अपना पैसा, ओनर तो वही हुए, ठीक है? तो ये क्या हुआ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन चीज आपको ध्यान रखना है, क्या? पहला प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, दूसरा एलोकेशन ऑफ फंड, और तीसरा तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। अच्छे से सुनिए, डेफिनेशन भी पढ़ना होगा, देख लीजिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम। नहीं क्लियर होगा तो बोलिएगा,
बीच में ही बता दीजिएगा, हम फिर से रिपीट कर देंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन चीज हमेशा याद रखिएगा, तीन ही डिसीजन लिए ही जाते हैं इसमें। एक आपका होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या कि फाइनेंस हमको कहाँ से लेकर आना है। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स हमें कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। और तीसरा होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन में हम ये देखते हैं कि हमें अपने अर्निंग्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना हमें रिटेन करके रखना है। अब देखिए रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या रोल, यहाँ बोले जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको क्या क्या देखना होता है, यहाँ तो कुछ ही पॉइंट है। देखिए फर्स्ट, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि हमें कितना फिक्स्ड एसेट चाहिए अपनी कंपनी में। वही जो हम बोले हमारे पास फंड तो आ गया, अब हमें कितना फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, कितना करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक डिसीजन है। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। पहले भी हम बताए थे क्या कि जब हम डिसाइड कर लिए कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, फंड लेकर आना है, तो हमें किन किन सोर्सों से लेकर आना है ये भी डिसाइड करना होगा, वो सोर्स लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। ये थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि हम लॉन्ग टर्म से अपना फंड रेज करेंगे या शॉर्ट टर्म सोर्स से फंड रेज करेंगे। फिर फोर्थ देखिए क्या है, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इंटू डेट एंड इक्विटी। अब जब हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म से लेना है या शॉर्ट टर्म से लेना है, सपोज हम डिसाइड किए लॉन्ग टर्म से लेना है, ठीक, तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक डेट है एक इक्विटी है। क्या कोई हमें डिफरेंस बताएगा डेट एंड इक्विटी में? Am I audible? Yes, ma'am. और जो इक्विटी है वो ऑनर्स का पैसा होता है। डेट हम क्या बोलते हैं, जो डेट होता है वो आउटसाइडर का होता है और इक्विटी हमारे ओनर का होता है। कैसे कैसे हम बोलेंगे इक्विटी ओनर का और डेट आउटसाइडर का है? देखिए कोई बताएगा? चलिए देखिए, इक्विटी कैसे हम बोलते हैं कि हमारे ओनर ओनर का पैसा है, जो इक्विटी लेगा वो ओनर बन जाएगा हमारे कंपनी का और डेट आउटसाइडर ही रहते हैं। देखिए इक्विटी का जो रिटर्न होता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड, और डेट का जो रिटर्न होता है उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। हमारे कंपनी में अगर कोई इक्विटी के थ्रू पैसा लगा रहा है तो हम उसे जो रिटर्न देंगे पैसा लगाने के लिए, हमारे कंपनी में कोई पैसा क्यों लगाएगा रिटर्न लेने के लिए, तो इक्विटी जो इक्विटी में पैसा लगाएगा उसे हम क्या देते हैं डिविडेंड, और जो डेट में पैसा लगाता है उसे हम क्या देते हैं इंटरेस्ट देते हैं। तो जब हमें प्रॉफिट होगा हम डिविडेंड तभी देते हैं, लॉस के केस में नहीं देते, क्योंकि वो हमारे क्या है ओनर है, ओनर कंपनी को समझेंगे नहीं तो कौन समझेगा। लॉस होगा तब थोड़ी लेते हैं, वो प्रॉफिट होता है तब वो लेते हैं। लेकिन डेट क्या है आउटसाइडर्स हैं, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, उन्हें इंटरेस्ट चाहिए तो चाहिए बाय हुक बाय क्रुक। इसीलिए हम बोलते हैं कि डेट जो होता है वो आउटसाइडर का होता है और जो इक्विटी होता है, जो इक्विटी में पैसा लगाता है वो हमारे ओनर होता है। फिफ्थ पॉइंट, ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम्स जाते हैं उन आइटम से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही रिलेटेड होते हैं जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आइटम जाते हैं। तो ये कुछ रोल थी। देखिए हम बोले ना कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ तीन चीजों के ही इर्द गिर्द घूमेगा, क्या एलोकेशन ऑफ फंड, सॉरी पहला आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, देन एलोकेशन ऑफ फंड, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सब कुछ इसी के आसपास घूमेगा। इतना समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? नो मैम, क्लियर। ओके तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। देखिए इतना समझने के बाद ऑब्जेक्टिव आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम अगर अपने बिजनेस में फाइनेंस लेकर आ रहे हैं, हम उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो हम किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम उसको छोड़ दें वैसे ही, हम क्यों उसका मैनेजमेंट करेंगे, उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कोई बताएगा? मैम कैपिटल बिल्डिंग, और कैपिटल बिल्ड करने के लिए। अच्छा और
मैम कंपनी में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए मिले हैं। देखिए हम बिजनेस में फाइनेंस लेकर आए, उसे मैनेज कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो फंड है, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो। जब उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। ये हमारा एक मोटिव हमारा हो गया कि हमारे जो रिसोर्स है, जो फंड है, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो। दूसरा मोटिव हो जाएगा हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। तीसरा मोटिव हो जाएगा हमारा वेल्थ मैक्सिमाइज हो, ठीक है, कंपनी का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो। ये सब क्या है, इन्हीं सब चीजों के लिए तो मैनेजमेंट करें, नहीं तो हम फंड लाके छोड़ दें, क्या मतलब है। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेटिस्फाई हो। देखिए आपको एग्जाम देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो आपको खुद का दिमाग लगाना होगा कि इससे क्या क्या रिलेट हो सकता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया तो ऑब्जेक्टिव आप खुद बना सकते हैं। हम किसी चीज को या किसी रिसोर्स को अपने बिजनेस में लेकर आए तो हम उसे क्यों मैनेज कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उससे कुछ निकालना है, हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें अपने कंपनी के वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो खुश हों, हमारे कस्टमर खुश रहें, हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हों, इन्वेस्टर सेटिस्फाई हों, धीरे धीरे हमारे कंपनी के वैल्यू इंक्रीज हो। ये सब क्या है? हाँ, एक और पॉइंट, लिक्विडिटी मेंटेन हो। ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये सब मोटिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पीछे। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट, जाहिर सी बात है, हम बिजनेस कर ही क्यों रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कर रहे हैं। अब उस फंड को हम लेकर आए, उसे अच्छे से मैनेज कर रहे हैं ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज सिर्फ बिजनेस में आके पड़ी रहेंगी तो उनका कोई मतलब नहीं है, जब तक हम उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से, सिर्फ यूटिलाइज नहीं करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी भी मेंटेन करके रखना है। लिक्विडिटी मतलब क्या, हमारे बिजनेस में कैश, या हम बोले कैश इक्विवेलेंट, जिन्हें हम इजिली थोड़े ही समय में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी हमारे बिजनेस में होनी जरूरी है। अब आप ये सोचिए कि हम बिजनेस में कैश न रखें, ठीक है, हम करंट एसेट्स रखें ही ना, इन्वेंट्री न रखें, लिक्विडिटी मेंटेन ही ना करें, और हम अपना सारा का सारा पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगा दें, तो क्या ये सही है? अगर ऑन द स्पॉट हमें कोई इमरजेंसी आ गई, या ऑन द स्पॉट कोई आ गया हमसे पैसे मांगने आ गया, हमारा डिबेंचर होल्डर ही आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम उसको दे ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन आने नहीं देनी है, हमें क्या करनी है, अपने बिजनेस में लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी है। लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे और हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो भी मेंटेन रहे। ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज्यादा पैसा हम करेंट एसेट्स में रख दें, तो हम फिक्स्ड एसेट्स कहाँ से लेकर आएंगे, कैपिटल कहाँ से लेकर आएंगे, कैसे हम बिजनेस को चलाएंगे, मशीनरी नहीं रहेगी, लैंड ही नहीं रहेगा, तो कैसे बिजनेस चलेगा। ऐसा भी नहीं करना है, दोनों बैलेंस होना चाहिए, लिक्विडिटी भी मेंटेन होना चाहिए और जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है वो भी मेंटेन रहना चाहिए। फिर इसके बाद लास्ट क्या है, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद द क्रेडिटर्स। वही, अपने क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई करना है, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सेटिस्फाई करना है। बहुत सारे पॉइंट रिलेट आप इससे कर सकते हैं, बस एक चीज दिमाग में रखिएगा कि फाइनेंस से रिलेटेड अगर है तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव जो आपका आएगा ऑप्शन, उसको थोड़ा सा समझ के तब लगाइएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होगी एग्जाम में। ये था ऑब्जेक्टिव, क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, एंड मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स। इसमें और भी हो सकता है क्या, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, और टू सेटिस्फाई इन्वेस्टर हो सकता है, आप और भी लिख सकते हैं प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग हो सकता है, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, इतना समझ आया, ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ? यस मैम। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, एनी डाउट? नो मैम। चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे कंसर्न होता है, इजी है, सबको पता होगा, आ रहा है ना, पढ़ लीजिए।
efficient acquisition of finance, efficient utilization of finance and efficient disposal of surplus. ये क्या है? अपने surplus को, अपने profit को, या हम बोले अपने earning को dispose करना, या हम बोले distribute करना है. किन में distribute करना? अपने investors में, अपने owner में, जो हमें fund दिए हैं उनमें distribute करना. बाहरी लोगों में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो हमें फंड दिए हैं उनको देना है. उनको क्या देना है? रिटर्न देना है, उनके कैपिटल का रिटर्न, जिसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस क्या? कि जो हम कैपिटल लेकर आए हैं उस पे कितना कॉस्ट आ रहा है हमें, उसे ही हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल भी बोलते हैं. रिटर्न किसके लिए होगा? जो इन्वेस्ट किए हैं. और अगर हम जैसे सपोज करिए मेरी कंपनी है, ठीक है, हम कैपिटल लेकर आए अपने बिजनेस में, तो हम उस कैपिटल को यूज करने के बदले में उन्हें जो दे रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. और अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए वो क्या है? रिटर्न है. ठीक, देखिए फाइनेंशियल डिसीजन, तीन डिसीजन हम आपको पहले ही बताएं क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या करेंगे? अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे. फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या करते हैं? पैसा बिजनेस में लेकर आते हैं. और डिविडेंड डिसीजन में हम क्या करते हैं? लास्ट अपने अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. चलिए आइए देखते हैं. ये देखिए पिक्चर बना हुआ है. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. सबसे पहला काम देखिए, फाइनेंस हमें लेकर आना है. फाइनेंसिंग डिसीजन में फाइनेंस हमें लेकर आना है तो हम किसके थ्रू लेकर आएंगे? या तो डेट या तो इक्विटी. ये हमें डिसाइड करना होगा कि हम कौन सा सोर्स यूज करेंगे. लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो डेट इक्विटी में कौन सा लेंगे, शॉर्ट टर्म यूज कर रहे हैं तो कौन सा यूज करेंगे, और जब फंड आ गया तो उन्हें हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे. देखिए हम मशीनरी लाएंगे कि हम गुड्स लाएंगे. अगर मशीनरी ला रहे हैं तो कौन सी मशीनरी लाएंगे, गुड्स ला रहे हैं तो कौन से गुड्स, कितना क्वांटिटी में गुड्स लाएंगे, कहाँ पैसा कितना इन्वेस्ट करेंगे, ये सब फाइनेंशियल मैनेजर देखता है, उसके डिसीजन होते हैं ये. देन उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को अपने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिसीजन. इसमें देखिए हम दो डिसीजन लेते हैं. हमारे पास प्रॉफिट आ गया, ठीक. अब उस प्रॉफिट को या तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरा का पूरा, 100% पूरा या तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या तो हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करें और कुछ अपने पास रिटेन करके रख लें. किस लिए? फ्यूचर के लिए, ताकि हम फ्यूचर में अपने बिजनेस में उसे वापस से इन्वेस्ट कर सकें. इसे हम बोलते हैं फ्लोइंग ऑफ फंड. फंड को जब हम दोबारा से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं फ्लोइंग ऑफ फंड, यानी फंड की दोबारा से खेती करना, जिसे हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग. देखिए हमारे बिजनेस में फंड आया सपोज 100, ठीक है, सॉरी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ हमें 100 रुपए का. अब उसमें से हम 50 अपने शेयर होल्डर्स को दे दिए और 50 हमें एज अ डिविडेंड हम दे दिए और 50 हम सेव करके रख लें, तो ये जो हम दिए वो क्या हो गया? डिविडेंड हो गया. और ये जो हम सेव करके रख लें, ये हमें ये क्या हो गया? रिटेन्ड अर्निंग हो गया. रिटेन अर्निंग अर्निंग जो हम रिटेन करके रख लें उसे हम क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग. और जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो हम या तो डिविडेंड दिए या हम इंटरेस्ट दिए, डजंट मैटर, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, काम खत्म. हम बचा कर रखें उसे हम क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग. अर्निंग को हम रिटेन करके रखते हैं. देखिए तीन डिसीजन क्लियर हुआ. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसमें हम लॉन्ग टर्म एसेट में भी जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट में जा सकते हैं. फाइनेंसिंग डिसीजन में हम दो जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं. कहाँ कहाँ? सॉरी, फाइनेंसिंग डिसीजन में हम फाइनेंस दो जगह से ला सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म सोर्स से, एक शॉर्ट टर्म सोर्स से. मिड टर्म भी होता है, मिड टर्म सोर्स से भी ला सकते हैं. डिविडेंड डिसीजन में हम दो डिसीजन लेते हैं. कौन कौन से? कि डिविडेंड हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है या हमें कुछ पैसा रिटेन करके रख लेना है. यही है डिविडेंड डिसीजन. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही मेनली तीन डिसीजन आते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. यहाँ तक समझ आया? यस मैम. देखिए इसके बाद यही एक्सप्लेन किया है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं. अब क्यों इसे कैपिटल बजटिंग बोलते हैं? बजट जानते हैं ना, हम बजट क्यों बनाते हैं? अब हम देखिए सब अपने घर में सब बजट बनाते हैं कि कितना इनकम आएगा, उसको कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ खर्चा करना है, वही बजटिंग है.
यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैपिटल की बजटिंग करते हैं कि कैपिटल हमारे पास आएगा तो हमें उसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल। हमारे पास कैपिटल आ गया तो हमें उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, वही हमारे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। हमारे बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें क्या होगा, ग्रोथ होगा, हमारे कंपनी की ग्रोथ होगी। कैपिटल बजटिंग डिसीजन किस लिए लिया जाता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। सेकेंड क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। अब देखिए हमारे पास फंड आया है, ठीक है, हमारे पास यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है उस फंड को अच्छे से यूटिलाइज करने का। अब हम अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं, 10 लोग से 20 लोग या बोलिए 100 लोग से हम फंड ले लिए और उस पैसे को ऐश में उड़ा दिए, तो क्या हम बचेंगे, नहीं बचेंगे। तो इसलिए क्या हमारे ऊपर क्या रहती है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उस फंड को अच्छे से यूटिलाइज करने की। बहुत ज्यादा अमाउंट होता है तो उस अमाउंट के लिए अच्छे से डिसीजन लेना पड़ता है हमें, इसलिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं। बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट होगा तो उसके साथ रिस्क भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा। और उसके बाद फोर क्या लिखा है, इररिवर्सिबल डिसीजन। इसे हम इररिवर्सिबल डिसीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार हम पैसा अगर इन्वेस्ट कर दिए, हम कोई बड़ी सी मशीन खरीद कर ले आए, बहुत ज्यादा माल खरीद कर ले आए, अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिए, डिसीजन ले लिए, तो हम रिवर्ट नहीं जा सकते, अब हम रिवर्स नहीं जा सकते क्योंकि पैसा चला गया हाथ से। इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, बहुत रिस्क होता है और इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। उसके बाद क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। क्या क्या फैक्टर इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं, इतना समझ आया, यहां तक कोई डाउट, कुछ पूछना है? नो मैम, क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से। शिवम, ओपन योर माइक। शिवम, रूपाली, सिद्धि। यस मैम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कौन कौन से डिसीजन होते हैं, तीन? मैम, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए कौन कौन से, अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम।
देखिए पहला क्या है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जब भी हम किसी किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट से जहां हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ पैसा रेगुलरली आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रॉपरली उनका असेसमेंट करना होता है। अब हमें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या हम बोले किसी एसेट में इन्वेस्ट करना है, तो हम क्या देखेंगे कि उससे जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो हमारे कॉस्ट से ज्यादा हो। कैसा कॉस्ट, कैसा रिटर्न? देखिए जब हम कैपिटल कहीं से लेकर आते हैं, फंड लेकर आते हैं, तो उन्हें हमें कुछ रिटर्न देना होता है, ठीक है? तो हमारे लिए क्या होगा, कॉस्ट होगा। तो अब उस फंड को जब हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे कि उस फंड से जो हमें उस इन्वेस्टमेंट से जो हमें रिटर्न मिलेगा वो ज्यादा होना चाहिए। अब एग्जाम्पल समझिए, मेरी बिजनेस है, ठीक है, हम एम नाम से कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं, हम 10,000 लिए हैं, एक पर्सन से हम 10,000 लिए हैं, और वो हमें बोल रहा है कि हम 2% लेंगे आपसे, 2% एनम हम आपसे चार्ज करेंगे इस 10,000 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, उस 10,000 को हम इन्वेस्ट कर दिए अपने एसेट में, 10,000 की हम एसेट लेकर आए। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो एसेट है जो हम यूज कर रहे हैं, जिसमें हम 10,000 लगाए हैं, उस पर हमें कम से कम 2% का रिटर्न हो, और ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, बस हमें 2% से नीचे का रिटर्न नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम बोले कॉस्ट से ज्यादा हमें रिटर्न होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है जब हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जाते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देन उसके बाद है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। जब हम किसी एसेट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हम उसका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी देखते हैं, वही कि कितना रिस्क है, कितना इसमें कितना हमें कॉस्ट लगेगा, कब कितना हमें मेंटेनेंस लगेगा, कितना कॉस्ट इस पे आएगा हमारा, ठीक है? ऐसा तो नहीं जितना ये रिटर्न देगा उससे ज्यादा कॉस्ट ले जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ एसेट ऐसी होती हैं जिनका इनिशियल प्राइस तो लो होता है लेकिन उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनिशियल हाई हो, मेंटेनेंस लो हो, चलेगा। इनिशियल हम 10,000 लगा दिए और उसका मेंटेनेंस ही हम 50,000 का करा लिए, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम इन्वेस्ट करने जाएंगे किसी एसेट में तो हम क्या देखेंगे, कैश फ्लो देखेंगे कि उस प्रोजेक्ट से जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस एसेट में हम पैसा लगा रहे हैं, उससे हमें अच्छा खासा रिटर्न हो, रिस्क ज्यादा ना हो। अगर रिस्क है तो वो हमारे रिटर्न को ज्यादा अफेक्ट ना करे, ठीक है, हमें अच्छा रिटर्न हो, हमारा बिजनेस अच्छे से चले, ये सब कुछ देखने के बाद ही हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए ये हमारे डिसीजन को अफेक्ट करेगा। जाहिर सी बात है, हम कभी भी किसी भी जगह इन्वेस्ट करने जाएंगे तो ये सब चीजें देखकर ही इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो ये था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सिंपल दिमाग में रखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। खुद को उस जगह पर रखकर देखिएगा कि अगर हमारे पास पैसा आ गया, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि इस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है, तो अब हम उस पैसे को कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए हम क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या तरकीब लगाएंगे कि हमें ये देखना है रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है, फ्यूचर में कितना आउटकम होगा, कि क्या कैसे, सब कुछ देखकर तब हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तब हमें वो अच्छा आउटपुट देगा, अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन वही, फाइनेंस हम कहाँ से लेकर आएंगे, इक्विटी से लेकर आएंगे या डेट से लेकर आएंगे। इक्विटी जिसे हम क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड भी बोलते हैं, एंड देन अगर डेट से लेकर आए तो उसे हम बोरोड फंड बोलते हैं। इक्विटी से लाए हुए फंड को हम ओनर्स फंड बोलते हैं, और जो डेट से फंड लेकर आते हैं हम उसे बोरोड फंड बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद अब देखिए फाइनेंसिंग डिसीजन जब हम लेंगे तो हम क्या क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि उस फंड का कॉस्ट कितना आएगा, कितना हमें उनको देना होगा, कितना परसेंट डिविडेंड देना होगा, कितना परसेंट इंटरेस्ट देना होगा, कॉस्ट कितना आएगा उस पे। देन उसके बाद हम देखेंगे रिस्क कितना है उसमें,
ठीक है, जब हम बोरोड फंड लेकर आते हैं तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है, जब हम इक्विटी से पैसा रेस करते हैं तो उसमें रिस्क कम होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हमें होगा तो हम देंगे इक्विटी वालों को, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो हमें नहीं देना। लेकिन डेट होल्डर है तो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो देना ही देना है, कंपनी डूब जाए, कंपनी गिर जाए, मर जाए, लेकिन हमें अपने डेट होल्डर्स को पैसा देना है, इंटरेस्ट देना है। वो नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, उनको बस अपने पैसे से मतलब है। तो यहाँ क्या है, रिस्क है हमारे लिए, वो कुछ नहीं समझेंगे, कोई फीलिंग्स नहीं समझेंगे। लेकिन हमारे इक्विटी होल्डर क्या है, हमारे ओनर है कंपनी के, तो वो कंपनी के फीलिंग समझेंगे, कंपनी कमजोर है, कंपनी में लॉस हो रहा है तो वो समझेंगे। ठीक है, लड़ेंगे नहीं, लेकिन डेट वाले लड़ने लगते हैं, तो यहाँ रिस्क ज्यादा होता है। तो कंपनी जब इनिशियल स्टेज में होती है ना, स्टार्टिंग स्टेज में होती है, तो जनरली इक्विटी से पैसे रेज किए जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में उसे प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन डेट होल्डर को तो चाहिए ना प्रॉफिट। तो ये सब देखना होता है जब हम फाइनेंस रेज कर रहे हैं। तो कैश फ्लो पोजिशन, कैश फ्लो, द कैश फ्लो पोजिशन ऑफ कंपनी ऑल्सो हेल्प इन सेलेक्टिंग द सिक्योरिटी विद स्मूद एंड स्टीडिंग कैश फ्लो कंपनीज कैन ईजिली अफोर्ड। देखिए कैश फ्लो पोजिशन क्या बोल रहा है कि अगर हम बिजनेस में फंड ला रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे कंपनी में कैश फ्लो की क्या पोजिशन है, हमारे कंपनी में कितनी अर्निंग हो रही है, कितने प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, उसी हिसाब से हम फंड रेज करते हैं। अगर कैश फ्लो की पोजिशन अच्छी है, यानी अच्छी खासी अर्निंग हमें हर साल हो रही है, कैश फ्लो अच्छा है, अच्छे से मेंटेन है हमारा, तो हम डेट ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कैश फ्लो पोजीशन ही अच्छा नहीं है, एक साल प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे साल लॉस हो रहा है, फिर प्रॉफिट हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम डेट नहीं ले सकते, क्योंकि डेट हमें खा जाएगा ऐसे सिचुएशन में। फिर उसके बाद है कंट्रोल कंसिडरेशन, इफ एग्जिस्टिंग शेयर वॉन्ट टू रिटेन द कम्प्लीट कंट्रोल ऑफ बिजनेस देन दे प्रिफर बोरोड फंड सिक्योरिटीज टू रेज फर्दर फंड। ऑन द अदर हैंड इफ दे डू नॉट mind to lose the control then they may go for owner's fund securities। देखिए control consideration क्या बोल रहा है, ये उनके लिए है, उन business के लिए है जो business existing है। existing business में क्या होता है कि अब सोचिए मेरा business है, ठीक है, हमारे business में 10 shareholders हैं, तो वो 10 shareholder क्या करेंगे, अगर इक्विटी से पैसा रेज कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, कंट्रोल जो उनके हाथ में कंट्रोल है, वो 10 और ओनर आ जाएंगे, तो वो जो कंट्रोल है वो 20 लोगों में बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है 10 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं और वो 10 इक्विटी शेयर इशू कर दिए, ठीक है, तो अब जो कंट्रोल कंपनी का कंट्रोल 10 के हाथ में है वो 20 के हाथ में बढ़ जाएगा। इसे ही बोल रहा है कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें प्रॉब्लम नहीं है अपना कंट्रोल बांटने में, तो वो इक्विटी शेयर इशू करेंगे, उससे इक्विटी से पैसा रेज करेंगे। लेकिन अगर उन्हें प्रॉब्लम है, वो अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जो कंपनी का ओनर है वो हम ही 10 रहें, ओनरशिप बस हम ही 10 के हाथ में रहे, तो वो बोरोड फंड यूज करेंगे, डेट के थ्रू पैसा रेज करेंगे। देन उसके बाद है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जो कॉस्ट फ्लोट करे, ठीक है, जो कॉस्ट फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। कैसे, देखिए जब भी हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं या डेट डिबेंचर इशू करते हैं तो कुछ बीच में हमको वो रखने पड़ते हैं, अंडरराइटर्स रखने पड़ते हैं, कुछ उनको कमीशन खिलाना पड़ता है। अब देखो जिनसे हमें पैसा लेना होगा हम क्या करेंगे, उन्हें थोड़ा जिनको मोल्ड करना है उन्हें हम क्या थोड़ा चाय पानी देंगे, थोड़ा नाश्ता वास्ता रिफ्रेशमेंट देंगे, तो ये सब क्या है, ये सब हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट है। यानी जब हम अपने कैपिटल को अपने फंड को लेने के लिए, या हम बोले कि हम शेयर इशू कर रहे हैं या डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो उसके थ्रू फंड लेने के लिए जो बीच में थोड़े छोटे मोटे खर्चे होते हैं, बोरो कमीशन के, अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह के, वो सब फ्लोटेशन कॉस्ट में आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा ना है। अब ऐसा ना हो कि 10 रुपए का शेयर हम इशू किए और इस पे 5 रुपए हम कमीशन दे रहे हैं या 6 रुपए कमीशन दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्लोटेशन कॉस्ट भी कम आनी चाहिए। ठीक है, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगा
जितने का फंड नहीं है उतना हम उस पर पहले ही कॉस्ट दे रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है ऐसे फंड का। फिर उसके बाद है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इफ अ कंपनी इज हैविंग हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट देन दे मस्ट प्रिफर ओनर्स फंड बिकॉज ड्यू टू हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट द कंपनी मे नॉट बी एबल टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट सिक्योरिटीज विच कैन कॉज सीरियस ट्रबल्स फॉर कंपनी। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब हमारे कंपनी की ही कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमें बहुत ज्यादा हम ऑपरेटिंग कॉस्ट यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं, अगर वही बहुत ज्यादा है तो हम अपने इन्वेस्टर्स को कैसे रिटर्न देंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, इक्विटी से पैसा रेज करेगी, ओनर्स फंड के थ्रू पैसा रेज करेगी, क्योंकि अगर डिबेंचर आ गए तो उन्हें किसी चीज से मतलब है नहीं, उनको तो चाहिए पैसा। तो यही सब चीजें हैं जो ध्यान में रखकर एक फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, फाइनेंसिंग डिसीजन लेता है। एक है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, लास्ट है द कंडीशन इन कैपिटल मार्केट ऑल्सो हेल्प इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू बी रेज। ड्यूरिंग बूम पीरियड इट इज ईजी टू सेल इक्विटी शेयर्स एज पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क, वेयर एज ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड देयर इज मोर डिमांड फॉर डेट सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट। जब हम शेयर या डिबेंचर इशू करने वाले हैं, फंड रेज करने वाले हैं, तो हमें ये भी देखना है कि कैपिटल मार्केट की सिचुएशन कैसी है। अगर बूम में है, ठीक है, कई दिनों से प्रॉफिट कमाए हैं हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, तो वो कहेंगे चलो ठीक है इतना तो प्रॉफिट कमाए हैं, थोड़ा सा इक्विटी में लगा ले, थोड़ा रिस्क ले ही लेते हैं। लेकिन अगर इतने दिन से, अभी आप देख रहे होंगे डिप्रेशन ही चल रहा है मार्केट में, तो अगर इतने दिन से लॉस खाए हुए हैं तो वो क्या करेंगे, वो फिर से रिस्क लेने का मूड में होंगे, वो कहेंगे नहीं बहुत हो गया, अब हमको फिक्स्ड चाहिए, हमें डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये भी सिचुएशन देखना होता है, अगर कंपनी डिप्रेशन के सिचुएशन में इक्विटी इशू कर देगी तो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे लेने में। लेकिन अगर बूम पीरियड है, उस टाइम पे कंपनी इक्विटी इशू कर रही है, तो इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे और इन्वेस्टर लेंगे भी, तो ये भी देखना होता है। तो ये सब फैक्टर्स क्या थे जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, या हम बोले इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर एक फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंसिंग डिसीजन लेता है। समझ आया, कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। समझ आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए उसके बाद थर्ड है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, या इसको आप बोल लीजिए डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, डिस्पोजल ऑफ अर्निंग, या एक और वर्ड था ना, कुछ भी बोल लीजिए, सरप्लस, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। चलिए आइए इसमें देखते हैं। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर हमें अफेक्ट करेगा डिविडेंड डिसीजन लेने में, अर्निंग, क्या डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करेंट एंड प्रीवियस ईयर्स अर्निंग, इफ देर आर मोर अर्निंग देन कंपनी डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड। वही, कंपनी को जितनी अर्निंग होगी कंपनी उस हिसाब से डिविडेंड देगी, ज्यादा अर्निंग हो रही है तो कंपनी भी खुशी खुशी अच्छा अच्छा देगी डिविडेंड, ज्यादा ज्यादा डिविडेंड देगी। अगर लो अर्निंग हो रही है तो कंपनी क्या करेगी, लो डिविडेंड देगी। अर्निंग पे डिपेंड करेगा कि कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है। देन है उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। कंपनी हैविंग स्टेबल और स्मूथ अर्निंग प्रिफर टू गिव हाई रेट ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी की अर्निंग स्टेबल रहेगी, कंपनी को अर्निंग जो हो रही है वो स्टेबल है, अच्छी खासी अर्निंग हो रही है और वो लगातार हो रही है, तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड हाई देगी। अगर स्टेबल नहीं है अर्निंग, कभी ज्यादा हो रही है, कभी 5%, कभी 2%, कभी 1% हो रहा है, कभी 3% हो रहा है, तो ऐसे में कंपनी हाई डिविडेंड नहीं देती है। कैश फ्लो पोजीशन कैसा है, क्या अच्छा कैश फ्लो पोजीशन है या खराब कैश फ्लो पोजीशन है, लॉस प्रॉफिट ऐसा वाला पोजीशन है या प्रॉफिट ऐसा वाला पोजीशन है, ये भी मैटर करता है क्या है डिविडेंड डिसीजन में। देन उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। देखिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे
ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर कंपनी के पास है, कंपनी को दिख रहा है कि फ्यूचर में हमें पैसा चाहिए, फ्यूचर में हमें ग्रोथ दिख रहा है, हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है ग्रोथ की, तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बल्कि जो रिटेन करेगी अर्निंग्स वो ज्यादा रखेगी। डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करके वो अर्निंग को क्या करेगी, रिटेन करके रख लेगी, और फ्यूचर में वो जो उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आएगी उनमें वो इन्वेस्ट करेगी। रिटेन अर्निंग को जब इन्वेस्ट किया जाता है वापस से बिजनेस में, मतलब ये बिजनेस का ही पैसा था, वापस से बिजनेस में जब इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लोइंग ऑफ फंड, हिंदी में बोले तो फंड की, कोष की जुताई करना वापस से। फिर उसके बाद क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। देखिए कुछ कंपनी क्या करती है, डिविडेंड स्टेबल देती है, यानी कि उनको अच्छा खासा डिविडेंड देती है और स्टेबल नेचर से देती है। अगर कम दे रही है फिर भी स्टेबल नेचर से दे रही है। वो देखिए ये जो डिसीजन है ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर को कैसे सेटिस्फाई रखना चाह रही है। क्या वो स्टेबल अर्निंग, स्टेबल डिविडेंड देकर उन्हें क्या उन्हें वो स्टेबल डिविडेंड देके सेटिस्फाई करना चाह रही है, या उन्हें हाई कभी हाई कभी लो डिविडेंड देके सेटिस्फाई करना चाह रही है। अब आप ही सोचिए, अगर हम किसी कंपनी में शेयर होल्डर होंगे तो हम क्या सोचेंगे, अर्निंग ठीक है अच्छी खासी मिले, कम ही मिले थोड़ी, लेकिन स्टेबल नेचर से मिले, मतलब लगातार ही उतना मिलता रहे, ऐसा ना हो कि कभी ज्यादा कभी कम। कुछ शेयर होल्डर क्या होते हैं, कुछ शेयर होल्डर बोलते हैं कि हमें डिविडेंड मत दीजिए, हमारा पैसा आप रिटेन करके रखिए, कंपनी में इन्वेस्ट करिए। ऐसा वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब कंपनी डिविडेंड ना देकर उसको कंपनी में उसे कंपनी में वापस से इन्वेस्ट करेगी, या हम बोले डिविडेंड ना देकर रिटेन करके रखेगी अर्निंग को और वापस से कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, तो उससे क्या होगा, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी ग्रो करेगी, और जब कंपनी ग्रो करेगी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर की वैल्यू भी ग्रो करेगी। तो जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स होते हैं वो बोलते हैं हमें डिविडेंड मत दीजिए, हमें आप हमारा पैसा आप रिटेन करके रख लीजिए, हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए अपने शेयर में। आप देखिए बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनके पहले शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, आज 300-400 ऐसे हो गई है। तो ये क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो वो शेयर होल्डर्स के ऊपर है, कंपनी के ऊपर है कि कंपनी शेयर होल्डर्स को कैसे सेटिस्फाई करती है, शेयर होल्डर्स कैसे हैं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव है या उन्हें प्रेजेंट में चाहिए, वो वैल्यू ऑफ मनी आज देख रहे हैं उनको आज चाहिए, वो डिपेंड करता है कि कंपनी में कैसे शेयर होल्डर हैं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो छोड़ के चले जाएंगे कंपनी। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, 6 पॉइंट क्या है, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, इफ अ कंपनी इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ रिटायर्ड एंड मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स देन इट विल डिक्लेयर मोर डिविडेंड एंड कीप असाइड लेस इन फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग। Whereas if company is having large number of young and wealthy shareholders, then it will prefer to keep aside more in the form of retained earnings and declare low rate of dividend. देखिए वही बात आ गई ना, जब हमारे shareholders क्या होंगे, middle class के होंगे, retired होंगे, जिनके पास और कोई source नहीं है पैसा का, उन्हें dividend चाहिए ही चाहिए, तो उनके लिए company क्या करेगी, dividend ज़्यादा देगी, retain कम करके रखेगी, तभी वो satisfy होंगे। और ऐसे शेयर होल्डर जो वेल्दी हैं, जिनके पास और भी सोर्स है इनकम का, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं, उन्हें कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड कम देगी और रिटेन कर ज्यादा रखेगी। देन उसके बाद है टैक्सेशन पॉलिसी, कंपनी को टैक्सेशन पॉलिसी भी देखनी होती है। रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ कंपनी। कैसे, अंडर प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री इनकम फॉर शेयर होल्डर्स, वेयर एज कंपनी हैज टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड गिवन टू शेयर होल्डर। इफ टैक्स रेट हायर देन कंपनी प्रेफर टू पे लेस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वेयर एज इफ टैक्स रेट इज लो देन कंपनी में डिक्लेयर हायर डिविडेंड। ये किस पे डिपेंड करेगा, टैक्स पे, टैक्स रेट ज्यादा है तो डिविडेंड कम देगी कंपनी, क्योंकि कंपनी के पैसा, कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा,
और अगर टैक्स रेट कम है तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देगी। देन उसके बाद एट्थ पॉइंट क्या है, एट्थ पॉइंट क्या है, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। देखिए जब कंपनी को क्या करना रहता है, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है या कैपिटल मार्केट को अप्रोच करना है, तो कंपनी क्या करेगी, ज्यादा डिविडेंड देगी। ज्यादा देगी तो इन्वेस्टर्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। देन उसके बाद है लीगल रिस्ट्रिक्शन, लीगल रिस्ट्रिक्शंस को भी कंपनी ध्यान में रखेगी, ठीक है, जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं कंपनी एक्ट में जो रूल बने हुए हैं उनको भी कंपनी ध्यान में रखेगी, उनको ध्यान में रखकर डिसीजन लेगी कि रूल के अकॉर्डिंग डिसीजन ले। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, देन कंपनी टेक लॉन्ग टर्म लोन, देन फाइनेंसर दे पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड and companies have to abide by these constraints. इसका कोई मतलब नहीं है, देखिए contractual constraints का मतलब है कि अगर हम जो fund लिए हैं, जो loan लिए हैं, उसके पहले अगर कोई contract हो गया है कि हमें इतना percent चाहिए या उतना percent चाहिए, इससे नीचे हम नहीं लेंगे, ठीक है, इतना ही percent minimum इतना चाहिए चाहिए, इससे ऊपर हम ले सकते हैं, तो वो सब depend करते हैं कैसा हम contract लिए हैं, ठीक है, कैसा हम contract किए हैं। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हैज इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट एज इंक्रीज इन डिविडेंड इज टेकन एज गुड न्यूज इन स्टॉक मार्केट एंड प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी राइज, वेयर एज अ डिक्रीज इन डिविडेंड मे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइस इन द स्टॉक मार्केट। सो पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इन इक्विटी शेयर प्राइस ऑल्सो अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन अगर कंपनी को चाहिए, अगर कंपनी चाह रही है कि स्टॉक मार्केट में उसकी जो सिक्योरिटी, उसकी वैल्यू बढ़े, उसकी रेपुटेशन बढ़े, तो वो क्या करेगी, हाई डिविडेंड देगी। कंपनी हाई डिविडेंड देगी, न्यूज में आ जाएगी, ठीक है, गुड। अब सभी लोग चाहेंगे कि हम उसमें इन्वेस्ट करें, जब सभी लोग इन्वेस्ट करने लगेंगे तो उस सिक्योरिटी की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कंपनी लो डिविडेंड देगी तो सब छोड़कर जाएंगे, जब सब छोड़ के जाएंगे तो उस सिक्योरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। यहाँ वही डिमांड एंड सप्लाई वाला फॉर्मूला काम करेगा आपका, डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, सप्लाई ज्यादा तो प्राइस कम। ये क्या हो गया, ये वो फैक्टर हो गए जो हमें फाइनेंसिंग डिसीजन लेने के टाइम पर ध्यान देने होते हैं, माइंड में रखने होते हैं। इतना समझ आया? यस मैम। यस मैम। फाइनेंशियल डिसीजन में तीन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन हम इसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट द फिक्स कैपिटल, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है। देखिए फाइनेंसिंग डिसीजन, फ्रॉम वेयर वी गेट फंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट फंड, एंड लास्ट डिविडेंड डिसीजन, एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या हम बोले अर्निंग। क्वेश्चन सेशन तो बाद में होगा आपका, अब है फाइनेंशियल प्लानिंग, यहां से हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहां तक समझ आया? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ पूछिए। मैम इज रिटेन्ड अर्निंग इज एन एसेट? नहीं, एसेट एसेट नहीं बोलेंगे हम, ये तो हमारा, आप ऐसे समझ सकते हैं ये हमारा रिजर्व है। रिटेन्ड अर्निंग हम क्या कर रहे हैं, अपने अर्निंग को रिटेन करके एज ए रिजर्व रख ले रहे हैं, फ्यूचर में हम उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो वो एसेट क्या हुआ, एसेट कैसे हुआ, जब हम उसको इन्वेस्ट करेंगे कहीं जिसमें हम इन्वेस्ट किए, कुछ खरीद कर लाए, कोई मशीन या लैंड या बोलिए गुड्स में कहीं इन्वेस्ट किए, तब वो एसेट बन जाएगा, जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे वो एसेट बन जाएगा हमारा। ओके मैम।
थैंक यू। हाँ, रिटेन अर्निंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही तो है। प्रॉफिट जो हमें हो रहा है, या हम बोले जो अर्निंग है हमारी, उसे हम बचा कर रख ले रहे हैं, वो रिटेन अर्निंग है, उसे हम रिटेन अर्निंग बोलेंगे। उसे हम दे रहे हैं एज अ डिविडेंड, तो वो क्या हो गया? डिविडेंड हो गया, हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उसे एज अ डिविडेंड। और कुछ पूछना है? इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको समझना इजी भी है और क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा टफ भी है। तो क्वेश्चन अच्छे से सोच समझ के सॉल्व करिएगा। देखिए,